Unit 1, second, we have a chapter. It's a story. Do you know what's the name? The Magic Garden. Magic. Magic kya hota hai? Jadoo, right? So the story is about a magic garden. And who's the author? Story kisne likha hai? Margaret H. Bolton. Margaret H. Bolton. द फेरी गार्डन एक स्टोरी है जिसमें से ये एक छोटा सा स्टोरी हमने लिया है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी. द मैजिक गार्डन. द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड. इट वॉज वेरी प्रिटी. सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज. जो मैजिक गार्डन है वो एक स्कूल प्लेग्राउंड में था. आप लोग के स्कूल में प्लेग्राउंड है ना? प्लेग्राउंड में गार्डन्स है या फिर आपके स्कूल की एंट्रेंस पे या फिर क्लासरूम्स के सामने गार्डन्स होते हैं ना? वैसे ही एक स्कूल के प्लेग्राउंड में एक गार्डन था एंड वो गार्डन मैजिकल था. क्यों था मैजिकल ये हम आगे देखेंगे. अच्छा, उस गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स थे. कौन कौन से फ्लावर्स थे? सनफ्लावर, रोजेस, मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पैंसीज. आपने ये नाम सुने सारे फ्लावर्स के? सनफ्लावर्स, रोजेस, मैरीगोल्ड, पॉपी एंड पैंसी. ठीक है. द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली. सनशाइन, सूरज की रोशनी, ये इस गार्डन में बाकी सब गार्डन से ज़्यादा पड़ती थी और वहाँ पे जितने भी फ्लावर्स थे वो बहुत हंसी खुशी डांस करते थे और गाना गाते थे. दे सेड टू वन अनदर, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स. गार्डनर्स कौन होते हैं? जो गार्डन का ख्याल रखते हैं, माली है ना. सो गार्डन क्या बोलता था? हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ गार्डनर्स हैं, छोटे छोटे गार्डनर्स. कौन है ये छोटे छोटे गार्डनर्स? स्कूल स्टूडेंट्स. दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स. आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर वंस लिटिल मोस्ट ऑफ ऑल. सो एक बार क्या होता है कि एक सनी मॉर्निंग मतलब एकदम ब्राइट मॉर्निंग वाला दिन, उस दिन जो फ्लावर्स हैं वो बर्ड्स से बातें कर रहे थे. वो क्या बोलते हैं कि मुझे इतने सारे गार्डनर्स में से जो छोटे 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 गार्डनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं. आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. ऐसा क्यों है? वो क्या रीज़न बताता है कि जो छोटे छोटे गार्डनर्स हैं हमारे वो मेरे लिए पानी लेके आते हैं. आपके घर में फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, आप डेली उसको पानी देते हो ना. क्यों देते हो? ताकि वो फ्लावर्स, वो प्लांट्स बड़े हो जाए, है ना. तो प्लांट्स को बड़े होने के लिए पानी चाहिए. क्या चाहिए? पानी. सो जो हमारे प्लांट्स हैं वो बर्ड्स को बोल रहे हैं कि मुझे ये गार्डनर्स बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे गार्डनर्स मेरे लिए पानी लेके आते हैं. यस, सेड द मैरीगोल्ड. द बॉयज आर ऑल्सो गुड टू अस. दे डिग द ग्राउंड सो वेल. वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, सेड अ टाइनी बर्ड. सो जब ये बातें चल रही थी तो मैरीगोल्ड एकदम आगे आके क्या बोल रहा है कि मुझे भी ये लोग बहुत पसंद है, स्पेशली बॉयज. क्यों? क्योंकि वो लोग आके मेरे नीचे जितनी भी मिट्टी है उसको खोदते हैं. आपके घर में अगर गार्डन है तो आपने देखा है मम्मी पापा उसका मिट्टी को धीरे धीरे खोद खोद के देते हैं. क्यों देते हैं? ताकि आपके फ्लावर्स हेल्दी होके बड़े हो. ठीक है. तो इन सब की बातें जब चल रही थी तब एक बर्ड, छोटी सी बर्ड, टाइनी बर्ड, वो क्या बोलती है? मुझे भी छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है. They are kind and they bring bread for us. All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty,
फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून. तो इनकी बातें जब चल रही थी तो बर्ड ने क्या बोला था कि मुझे भी ये लोग बहुत पसंद है. और इसका रीजन क्या बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मेरे लिए ब्रेड लेके आते हैं आपके टेरेस पे, आपकी बालकनी पे, आप छोटा छोटा पानी का ग्लास या फिर सीड्स आप रखते हो ना. किसके लिए रखते हैं? बर्ड्स के लिए, सो दैट द बर्ड्स कैन कम एंड हैव फूड, है ना, उनके लिए थोड़ा इजी करने के लिए. सो जब ये सारी बातें चल रही थी, आगे फ्लावर्स क्या बोलती है, हमें बहुत अच्छा दिखना चाहिए, हमारी ड्रेस बहुत प्रिटी प्रिटी होनी चाहिए. फ्लावर्स के ड्रेसेस बहुत कलरफुल होते हैं ना, आपने देखा है रोज कौन कौन से कलर्स के होते हैं, रेड, येलो, फिर वाइट, ऐसे ही कितने सारे कलर्स होते हैं. तो जो फ्लावर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें बहुत सुंदर दिखना है. क्यों? क्योंकि अब भी बच्चे आ जाएंगे, शायद उनका गेम्स का पीरियड होगा. द सन सेड, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, फॉर नथिंग प्लीजेस मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अराउंड इन द गोल्डन सनशाइन. इनकी बातें सुन के सन क्या बोलता है, ओके मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा. क्यों? क्योंकि सन को भी बच्चों को प्लेग्राउंड में खेलते हुए देख के बहुत खुशी होती है. सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम. जब इन सब का डिस्कशन चल रहा था तो एकदम से बेल बजती है और सारे बच्चे हंसते खुश होके चिल्लाते हुए प्लेग्राउंड में आ जाते हैं. ऐसा ही होता है ना अपने स्कूल में भी, जैसे ही बेल बजी सब भागते बाहर, वैसे ही ये सारे बच्चे हंसते खेलते गाते हुए गार्डन में आ जाते हैं. और जितने फ्लावर्स हैं वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको इन बच्चों की आवाज सुननी थी. ओके, ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, सेड वन चाइल्ड एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली. एक बच्चा एक टॉल सनफ्लावर को देखा है. आपने सनफ्लावर के प्लांट्स देखे, इतने लंबे हो जाते हैं और उसके ऊपर सनफ्लावर आता है. सो एक बच्चा एक सनफ्लावर का प्लांट देख के बोलता है कि ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, ये सनफ्लावर कितना लंबा है. और ये सुन के सनफ्लावर एकदम प्राउड हो जाता है कि वाह देखा मैं बहुत टॉल हूं, एंड वो खुशी से और ऊपर उठ जाता है. आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस. मैरीगोल्ड पता है गेंदे का फूल, कौन से कलर का होता है? येलो, ऑरेंज, गोल्डन कलर, राइट? तो एक बच्चा क्या बोलता है, मुझे तो मैरीगोल्ड ज्यादा पसंद है उसका येलो ड्रेस में, गोल्डन ड्रेस में. द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू. ओके अब सस्पेंस, ये गार्डन मैजिक क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसमें फेरीज भी थी. फेरीज क्या होती हैं? परियां, राइट? आपने देखी है गार्डन में जो फ्लावर्स हैं इनके साथ फेरीज भी थी. दे डांस्ड एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर. वो लोग नाचते रहते थे, गाते रहते थे और इनका सॉन्ग सिर्फ बच्चे सुन सकते थे और कोई नहीं सुन सकता था. आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन. थोड़ी देर बाद ये फेरीज बाहर आते हैं, अभी तक छुपे हुए थे, देन वो बाहर आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं. देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड द विंग्स ऑफ सनशाइन. उनकी ड्रेसेस किससे बनी हुई थी? फ्लावर्स से, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स से. और उनके विंग्स कौन किससे बने हुए थे? सनशाइन से, मतलब सूरज की रोशनी से. द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट एट नाइट, द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वर स्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन. मतलब ये सब सुबह हो रहा है जब स्कूल में बच्चे आते हैं, शाम को बच्चे सब घर चले जाते हैं, एंड जब रात हो जाती है तब हर जगह बहुत शांति हो जाती है, कोई आवाज़ नहीं. फ्लावर्स भी सो गए, फेरीज भी सो गई, सब सो गए, एंड वो लोग ड्रीम करते हैं, सपने देखते हैं. किस बारे में? कि नेक्स्ट डे बच्चे फिर आएंगे एंड अगेन ये लोग बहुत मस्ती करेंगे, राइट? तो स्टोरी बहुत सिंपल है ना, सबको समझ में आ गई? ओके.
द समरी, मतलब स्टोरी. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गार्डन इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड. द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड द फ्लावर्स. दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द बर्ड्स. इट इज अ मैजिक गार्डन बिकॉज इवन फेरीज सिंग एंड डांस इन द गार्डन व्हेन दे सी द चिल्ड्रन. मतलब ये स्टोरी किसके बारे में है? एक स्कूल प्लेग्राउंड के बारे में जिसमें एक बहुत बड़ा सा गार्डन है एंड वो गार्डन मैजिकल है. क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं एंड फेरीज भी हैं. ओके, एंड ये जितने भी फ्लावर्स हैं ये लोग बहुत खुश हैं. क्यों? क्योंकि उस स्कूल के बच्चे इन सब फ्लावर्स की बहुत टेक केयर करते हैं. वो लोग प्लांट्स को पानी देते हैं, उनके ग्राउंड को डक करते हैं, देन बर्ड्स के लिए वो लोग खाना लेके आते हैं. ठीक है, सो उस गार्डन में जितने भी फ्लावर्स हैं, जितनी भी फेरीज हैं, जो सन है, वो सब इन बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं. राइट, स्टोरी बहुत ईजी है ना, एंड बहुत अच्छी भी. ओके.